हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। तो जस्ट अभी मैंने नहाया है, इसके बाद आज हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। तो अभी फिर इसके बाद पहले कुछ खा लेते हैं, भूख लगी हुई है नहाने के बाद, फिर उसके बाद चलेंगे हम बर्थडे पार्टी में, वहां मिलते हैं। हालांकि बर्थडे पार्टी में भी मैंने खाना ही है, बट मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ ना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है, तो इसीलिए अभी हम वहां पे जाके फिर जाएंगे। पहले अभी बहुत सारा काम है, क्योंकि अभी थ्रेड भी बनवानी है, फिर उसके बाद थोड़ा शक्ल ऐसी हो रही है, थोड़ा ठीक करनी है, फिर उसके बाद चलेंगे हम वहां पे, मिलते हैं। सो गाइज, अभी हम गए थे पार्लर, बट पार्लर जाना तो पोपट हो गया, क्योंकि आज राखी है तो सब कुछ बंद है। तो अभी फिर हम रायपुर जाते हैं, फिर उसके बाद वही आपको मिलते हैं, चलिए। तो आप लोगों को लोकेशन बहुत अच्छी लग रही होगी, क्योंकि जहां मैं रहती हूँ वहां ये लोकेशन बहुत प्यारी है। मुझे लोकेशन ही यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं यहाँ पे रहती हूँ, क्योंकि मुझे लोकेशन इतनी प्यारी लगती है ना यहाँ की। चलिए मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। जस्ट मेरे पीछे मसूरी का व्यू इतना क्लियर नजर आता है और इतना साफ दिखता है ना, नाइट व्यू तो बहुत सुपर्ब है। बट अभी फॉग लगा हुआ है, क्योंकि बारिश हो रही है दो तीन दिन से लगातार, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। बट यहाँ की लोकेशन एकदम झकास है। अभी हम इसके बाद हमें अभी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रायपुर जाना है। रायपुर भी लोकेशन अच्छी है, पर चलिए चलते हैं वहां पे। यार मेरे को एक बात बतानी है, सच बताऊं, ये देहरादून वाले जितने मेरी वीडियोस देखते हैं ना, प्लीज तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे ऑफिस के बाहर खड़े मत होइए। क्या चाहते हो भाई, मेरी नौकरी चली जाए? वहां पे आते हो तनुजा मैम करके। यार ठीक है, प्यार है, ठीक है, आप लोग मुझे प्यार करते हो, मुझे ठीक लगता है। बट यार आप ऐसे आ रहे हो फोटो वोटो खींचने के लिए, ऑफिस वाले भी देख रहे हैं, भाई ये कौन है कौन है। भाई प्लीज नौकरी बची रहने दो मेरी। तो सो अभी वक्त है तैयार होने का बर्थडे में जाने के लिए, बट उससे पहले अभी तैयार होते हैं, बट उसके बाद मैं ऐसे लाइनर लगा के आज नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो सारे पार्लर बंद हैं राखी की वजह से। अगर दिन तक खुल गए तो बाय चांस, तो अगर मैं फिर ये लाइनर लगा रहेगा तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी थ्रेड बनवाने में, तो इसीलिए सिंपल बन के जाऊंगी। चलिए मिलते हैं। यार एक बात बोलूं, पतले लोगों का कितना अच्छा होता है ना, इतना ठूस ठूस के खाते, ऊपर से मोटे भी नहीं होते, और एक मैं इतना सा पानी भी पीती ना, वो भी मुझे लग जाता है भाई, क्या करूं मैं। सो मौसम बारिश का हो रहा है, हमें जाना भी है, बट थोड़ा सा लग रहा है कि यार कैसे जाएंगे, बट कोई हम चले जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। वक्त हो चुका है तैयार होने का, अगर मैं जल्दी से तैयार नहीं हुई तो बाहर मौसम हो रहा है बारिश होने का, अगर फिर बारिश में अगर मैं फिर भीग जाऊंगी तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी चलते हैं, फिर तैयार वगैरह भी होते हैं, चलिए। तो फाइनली अभी हम आए हैं रायपुर। रायपुर में हम यहाँ पे हैं, डिस्क रिजॉर्ट करके है, यहाँ पे आए हुए हैं। अभी मेरी फ्रेंड जो है वो अभी आने वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि बर्थडे उसी का मनाना है, तो अभी तक वो पहुंची नहीं है, हम पहले पहुंच चुके हैं, देखते हैं, लेट्स सी। चलिए आ जाइए, आपको रिजॉर्ट दिखाते हैं तब तक।
फाइनली अभी हमारी दोस्त पहुंची नहीं है, हम यहाँ पे झूला झूल रहे हैं और तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम कुछ खाने का सोच रहे थे, बट हमने सोचा पार्टी तो उसी ने करवानी है तो हम क्यों खाएं अपने पैसों का, इसीलिए हम उसका वेट कर रहे हैं। हम भी इतने लीचर आदमी हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक वो खुद से नहीं खिलाएगी, जब नहीं खिलाएगी तो फिर खुद से खाना पड़ेगा, ये फिर करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। फाइनली इतने इंतजार के बाद ये लोग आ ही चुके हैं, अब इसके बाद केक वगैरह कट करते हैं फिर देखते हैं कहाँ चलते हैं। क्या मतलब बताओ जी, हमने बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद कुछ खाया, आप खा भी लिया है, बाहर बारिश हो रही है बहुत भयंकर, बट मैं अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ तब तक देख सकते हो। तो भुक्कड़ों की संख्या में अगर मैं दिखाऊं तो एक भुक्कड़, दो भुक्कड़, तीन भुक्कड़, चार भुक्कड़, पांच भुक्कड़, इन भुक्कड़ों ने इतना खा दिया और एक मैं भुक्कड़। यार खाने के बाद खाओ पियो खिसको वाला होना चाहिए था, बट यार बारिश हो गई, बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया है, अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि सब लोग तो फोन पे लगे हुए, बात तो कुछ हो नहीं दी है। तो अब मुझे भी हो रही कि यार अब मैं क्या करूँ, तो इसके इसीलिए तब लेट्स सी, देखते हैं अभी बारिश रुकती है फिर उसके बाद हम निकलते हैं रूम के। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अगर और ज्यादा अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय बाय। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, आई तनुजा भट्ट के नाम से। तो मिलते हैं, चलिए इंस्टाग्राम पे, ओके।